केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में आपको दोनों के लिए बता दें, मेरे पास कोई मतलब इतना अच्छा टीचर नहीं था। हो गया केमिकल काइनेटिक्स हो गया एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीन चैप्टर्स थे मेरे फिजिकल केमिस्ट्री में जिनके क्वेश्चन मुझसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होते थे। ऑफलाइन ट्यूशन भी लगाया था लेकिन स्टिल इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, तो अपनी वैरायटी क्लियर हो जाती है क्वेश्चन की। सिंस स्टोरी है और ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन यस नेम बताओ। सो नेम मैं ड्रॉप्स हैव यू टेक। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सो दिस इज़ माय फर्स्ट क्यू एंड ए वीडियो, सो जिसमें मैंने आपसे बोला था कि आप अपने क्वेश्चंस डाल दो कम्युनिटी पोस्ट में और मैं उनके आंसर्स करने की कोशिश करूँगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं जिनके आंसर्स मैं दूंगी। सो ये मेरी फर्स्ट क्यू एंड ए वीडियो है, तो थोड़ी बहुत कोई गलती मुझसे हो जाए सो प्लीज़ फॉरगिव मी। और स्टार्ट करते हैं आज की क्यू एंड ए वीडियो से। यहाँ पे साइड में क्वेश्चंस आ जाएंगे, उसके बाद मैं उनके आंसर्स करूँगी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक एक जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो सबके आंसर करने की कोशिश मैं करूंगी। सो हो सकता है कि काफ़ी लंबी वीडियो हो तो मैं इसको दो पार्ट में अपलोड करूं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें एंड फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री करने के लिए कितना बेसिक पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो है फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। सो फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स मैं आपको दोनों के लिए बता देती हूँ। तो फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए सबसे पहले एक बहुत अच्छा टीचर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने भी अपनी फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में मेरी भी यही मिस्टेक हुई थी मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में, कि मेरे पास कोई मतलब इतना अच्छा टीचर नहीं था, तो इस वजह से मेरे को सारे क्लियर था, मेरी थ्योरी क्लियर थी सब कुछ। जैसे कि चैप्टर्स मैं आपको बता देती हूँ, सॉल्यूशन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीन चैप्टर्स थे मेरे फिजिकल केमिस्ट्री में जिनके क्वेश्चंस मुझसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होते थे और इक्विलिब्रियम के भी नहीं होते थे। तो जैसे भी क्वेश्चंस मुझसे हो रहे थे उन्हीं के साथ मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, क्योंकि उस टाइम पर मुझे इतना नहीं पता था यकीन के बारे में, पीडब्ल्यू के बारे में, तो इसलिए फिर मैंने उनको फॉलो नहीं किया था। जैसे जितना मुझे मेरे ऑफलाइन टीचर्स ने पढ़ाया और जितना मुझे आता था उससे मैंने सॉल्व किया था। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बहुत कोशिश की थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। मैंने ऑफलाइन ट्यूशन भी लगाया था लेकिन स्टिल मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया था यकीन बैच, यकीन 2.0, जो कि मैंने ज्वाइन किया था अपने फर्स्ट ड्रॉप में, जो कि मेरा था नीट 2024 के लिए। तो उसमें मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सुधांशु सर को फॉलो किया था एंड फिजिक्स के लिए मैंने एमआर सर को फॉलो किया था। एंड उसके बाद फिर मेरे क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हुए, क्योंकि पता है फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में जब नोट्स में आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपको टाइप पता चल जाता है कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के भी आ सकते हैं। तो जब एक अच्छा टीचर होता है जैसे कि सुधांशु सर है, एमआर सर है, आप सबको पता होगा, आप भी उनसे ही पढ़ते होंगे, बहुत सारे लोग पीडब्ल्यू से ही पढ़ते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो नोट्स में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप भी बता देते हैं कि ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। तो आपको एक वैरायटी क्लियर हो जाती है क्वेश्चन की, तो उसकी हेल्प से आप इजीली फिर जब आप मॉड्यूल या फिर कोई भी क्वेश्चन बुकलेट सॉल्व करने बैठते हैं तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है और बहुत ईजीली आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक अच्छा टीचर पहले तो देखें जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। आप सुधांशु सर को भी फॉलो कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते हैं एंड उनका एक सेगमेंट भी होता है कौन बनेगा डॉक्टर ऐसे टाइप का, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वो डेली करवाते हैं। हो सकता है जैसे वो केमिकल काइनेटिक्स पे मूव कर रहे हैं तो वो मोल कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चंस करवा देंगे, वो सॉल्यूशंस के भी कुछ क्वेश्चंस करवा देंगे, तो इस तरीके से वो बहुत सारे क्वेश्चंस सर कराते हैं, तो फिर आप उनको भी फॉलो कर सकते हो और ऐसे करके आप फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को टैकल कर सकते हो, क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। सो दैट्स द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट मोटिवेटेड यू टू बिकम अ डॉक्टर एंड विल यू ज्वाइन अ मेडिकल कॉलेज एनीवन इफ़ यू गेट दिस ईयर और स्टडी हार्ड फॉर नीट 2025 टू गेट इन योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। सो व्हाट मोटिवेटेड मी टू बिकम डॉक्टर, सो इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। दैट इज़ माई ग्रैंड फादर वंस टोल्ड मी दैट आई वॉन्ट माई ग्रैंड डॉटर टू बिकम अ डॉक्टर, सो हेयर आई एम रनिंग बिहाइंड दैट ड्रीम एंड ट्राइंग टू अचीव इट एंड ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट अ मेडिकल कॉलेज। सो ये रीज़न है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि मैं मेडिकल कॉलेज, तो येस इस बार मुझे अगर कोई भी मेडिकल कॉलेज मिलता है तो वो मैं लूँगी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गेट ट्रैप इन दिस अगैन ऑल ओवर अगैन, बिकॉज मैंने दो साल से मैं पढ़ रही हूँ, मैंने प्रैक्टिस की है, बहुत प्रैक्टिस की है, और उसके बाद भी मुझे अगर मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है सो इट्स हार्ट ब्रेकिंग, बट येस अगर नहीं मिलेगा सो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, करना पड़ेगा फिर से नीट 2025 की प्रिपरेशन। लेकिन अगर कोई भी मुझे मेडिकल कॉलेज इस साल मिलता है तो डेफिनेटली मैं वो मेडिकल कॉलेज लूँगी, बिकॉज मैं अब और ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन येस अगर नहीं मिलेगा तो करनी पड़ेगी तैयारी, लेकिन अगर मिल जाएगा तो मैं ले लूँगी और उसके बाद फिर आई ट्राई हार्ड फॉर द
पीजी की मुझे मेरा ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिले. सो ये आपके आंसर्स हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से किया था एंड अप्रोक्स कितने टेस्ट दिए थे, अपना नेम बताओ. ओके, सो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे पहले तो सारे जितने भी नोट्स में क्वेश्चंस होते हैं उन सब से किया. मैंने PYQs किए, उसके बाद मैंने टेस्ट दिए. टेस्ट में वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, तो यही था मेरा. नोट्स के सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत बार सॉल्व किए थे बिकॉज नोट्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत वैरायटी के होते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला. तो बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस वो नोट्स के मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, PYQs मैंने किए थे एंड टेस्ट दिए थे. उसके बाद अप्रोक्स कितने टेस्ट दिए थे, तो मैंने अप्रोक्स 50-60+ तो टेस्ट डेफिनेटली दिए होंगे. फुल सिलेबस टेस्ट की मैं बात करूँ तो 30-40+ तो आई थिंक दिए होंगे. वैसे मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट येस मैंने काफ़ी टेस्ट दिए थे. तो हो सकता है थोड़ा मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया फुल सिलेबस टेस्ट के लिए, बट येस मैंने काफ़ी सारे टेस्ट दिए थे, नंबर मुझे याद नहीं है. अपना नेम बताओ. सो नेम मैं कुछ लोगों को शायद पता भी है, बट नेम मैं जल्दी बताऊँगी. वो अपने मैं अच्छा मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने चैनल का नेम चेंज करके अपने नेम पे चैनल का नाम रखूँ, तो वो मैं सोच रही हूँ. तो उसके बाद मैं आपको पता चल ही जाएगा वैसे. सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आई एम नॉट एबल टू मैनेज माय स्कूल एंड नीट प्रिपरेशन. सो हैविंग अ लॉट ऑफ बैकलॉग इन फिजिक्स, व्हाट शुड आई डू, व्हाट एक्स्ट्रा मटेरियल शुड वी सॉल्व फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आफ्टर PW DPP एंड टेस्ट. तो कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप PW के DPP कर रहे हो, आप टेस्ट कर रहे हो, आप क्लासेस कर रहे हो, अगर क्लासेस कर रहे हो तो आप बहुत सारे डेफिनेटली नोट्स में भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. तो उसके अलावा आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है और कोई भी मटेरियल पे मूव करने की, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मटेरियल जब यूज़ करते हो तो उसमें भी आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो. तो जितने क्वेश्चंस आपने कर लिए उनको आप बार बार प्रैक्टिस कर लो, तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं. DPP भी आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके क्वेश्चन गलत जा रहे हैं तो. उसके बाद है हाउ टू मैनेज स्कूल एंड नीट प्रिपरेशन. तो हैविंग अ लॉट ऑफ बैकलॉग इन फिजिक्स, तो फिजिक्स का बैकलॉग ऑनलाइन क्लियर कर सकते हो अपना. बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे बैचेस, बहुत सारी YouTube पे भी फ्री क्लासेस होती है, तो उससे आप अपना बैकलॉग क्लियर कर सकते हो. और आप स्कूल को ऐसे मैनेज कर सकते हो कि जब स्कूल के जो टेस्ट होते हैं, वैसे तो जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत सारे मतलब आप पढ़ ही रहे हो तो आपके सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, लेकिन जो डेरिवेशंस डेफिनेटली वो आपको थोड़ा परेशान करती हैं, क्योंकि जब आप नीट की प्रिपरेशन करते हो सो आप एक उस MCQ लेवल से प्रैक्टिस करते हो, लेकिन जब आप स्कूल के लिए एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो तो उसमें डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेरिवेशंस आती हैं, तो वो आप साथ साथ करते चलो. ठीक है, जब आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो उनमें जो भी डेरिवेशंस करवाते हैं सर या कोई भी टीचर, तो आप उनको अलग से लिख लो और उन डेरिवेशंस को आप प्रैक्टिस करो. और जब आपका एग्ज़ाम होता है स्कूल का एग्ज़ाम, तो उससे ही पहले आप जैसे इंग्लिश के लिए या फिर कोई भी एक्स्ट्रा आपके पास सब्जेक्ट है तो उसके लिए आप तभी पढ़ो जब आपका एग्ज़ाम होता है, तो वो हेल्प करता है आपको. मैंने भी अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए, फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम के लिए 2-2 दिन पहले ही पढ़ा था एंड मतलब मेरे 95 मार्क्स थे फिजिकल एजुकेशन में, तो फुली थे आई थिंक, और इंग्लिश में 95 के अराउंड थे. तो ऐसे भी करके चीज़ें हो जाती हैं, और एक्स्ट्रा कोई मटेरियल मत लो अभी. उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ आई एम लविंग योर वीडियोज़ एंड यू आर सो स्वीट, आपकी वॉइस बहुत ही सूदिंग है, सो थैंक यू सो मच. एंड इनके क्वेश्चंस है, रिविजन कैसे करें, आपका डेली रूटीन क्या था सेल्फ स्टडी का. तो रिवीजन आप लिख के करो जो भी आप चैप्टर, या तो जैसे सर जो लेक्चर करवा रहे हैं या आप जो लेक्चर देख रहे हो उस दिन आप उसका रिवीजन कर लो, तो वो आपको हेल्प करेगा. तो ज़्यादा बैकलॉग भी आपका नहीं होगा, उसका रिवीजन आप उसी दिन कर लो एक बार लिख के, एक पेज में एक रफ नोटबुक में लिख के पूरा प्रैक्टिस कर लो, तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी. रिवीजन हमेशा आई थिंक लिख के ही करना चाहिए, तो वो हेल्प करता है. मैं भी हमेशा रिवीजन लिख कर ही करती हूँ, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा. तो रिवीजन लिख के ही करो. उसके बाद मेरा जो डेली रूटीन था सेल्फ स्टडी का, वो आई थिंक मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको दिखाया भी है. एंड मेरी पहली पुरानी जो वीडियोस है जो कि मैंने जैन में फैब में बनाई थी, उनमें मैंने सब कुछ दिखाया था, सारा जो मेरा डेली रूटीन था, तो आप जाके वो देख सकते हो. अभी ऐसे बताना इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन यस क्लासेस मैं हमेशा रिकॉर्डेड लेती थी, तो रिकॉर्डेड क्लासेस के बाद 3 क्लासेस मैं लेती थी, 3 या 4 जितनी भी होती है, बट मैं हमेशा रिकॉर्डेड लेती थी. और उसके बाद फिर मैं अपना जो है वो सेल्फ स्टडी करती थी, रिविजन करती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी. सो दैट्स हाउ माई डेली रूटीन वॉज. उसके बाद है हाउ मेनी ड्रॉप्स हैव यू टेकन, तो मैंने कितने ड्रॉप्स अभी तक लिए. तो एक ही ड्रॉप मैंने लिया है जो कि नीट 2024 के मेरा था, और उसके बाद अगर मैं नीट 2025 की प्रिपरेशन करती हूँ तो ये मेरा सेकंड ड्रॉप होने वाला है. अभी तक मैंने एक ही ड्रॉप लिया. ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी ड्रॉप यू टेक. तो आप
मतलब आई हैव टेकन वन ड्रॉप, मैंने एक ड्रॉप ले लिया है और उसके इसके बाद मैं कितने ड्रॉप लूँगी तो वो तो जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद पता चल जाएगा। अगर अभी क्लियर हो जाता है, अभी सारी चीज़ें ठीक हो जाती है और इस बार मुझे एडमिशन मिल जाता है तो मेरा एक ही ड्रॉप रहेगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो मेरे को सेकेंड ड्रॉप डेफिनेटली लेना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, तो सबसे पहले ये आपका कौन सा ड्रॉप है मैंने आंसर कर दिया है। सो 2024 वाला मेरा फर्स्ट ड्रॉप था और अगर मैं लेती हूँ तो ये मेरा नहीं 2025 वाला सेकेंड ड्रॉप होगा। आपकी एज, सो मेरी एज अभी 19 है। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मेरी फिजिक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है तो इसको कैसे इंप्रूव करूँ, आपने कैसे की बताइए। सो मेरी फिजिक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी भी बहुत वीक थी, बहुत ज़्यादा वीक थी, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया इसी वीडियो में और बार बार बता रही हूँ कि नोट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही मेरी इंप्रूव हुई है, फिजिक्स भी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी, फिजिकल केमिस्ट्री भी, कि जब आप नोट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाता है जो कि आपको हेल्प भी करता है। तो ऐसे ही मेरी इंप्रूव हुई है, अगर आप भी और लिख लिख कर रिवाइज करो, जब भी रिविजन करो इससे आपकी इंप्रूव हो जाएगी। आपने जिस भी बैच से लास्ट ईयर अपने डिटेल्ड नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स बनाए थे प्लीज़ उन सबको शेयर कीजिए। रीनीट की प्रिपरेशन में जो आपने एंड गेम सीरीज से जो नोट्स बनाए थे उनकी प्रिपरेशन, उनकी नोट्स शेयर कीजिए। सो ठीक है, मैं सारे नोट्स शेयर कर भी रही हूँ, कुछ मैंने कर दिए, कुछ मैं कर दूंगी। सो धीरे धीरे मैं सारे नोट्स शेयर कर दूंगी। और इन्होंने, इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी फर्स्ट यूट्यूब पे इनकम कब और कितनी आई थी, तो मेरी कोई अभी तक यूट्यूब इनकम नहीं आई। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, योर टैबलेट नेम एंड प्राइस, तो मेरे टैबलेट का नेम लिनोवो है, मैंने आपको पहले भी बताया है, और प्राइस मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने 2020 में ख़रीदा था तो अभी मेरे को प्राइस याद नहीं है इसका क्या था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्टडी आवर्स कितने हैं, आप कब से कब तक पढ़ती हैं, तो मैं सुबह 4 बजे भी उठ सकती हूँ, 4:30 भी उठ सकती हूँ, बट मैं रात को लेट तक नहीं पढ़ सकती, तो सुबह 5 बजे मेरा एवरेज रहता है कभी अभी, क्योंकि इतना कुछ चीज़ें चल रही हैं और अभी कुछ कंफर्म नहीं है तो इसलिए मैं 6 बजे के अराउंड स्टार्ट करती हूँ, और उसके बाद शाम को अभी तो मैं 5 बजे तक ही पढ़ती हूँ, 5 या 6 बजे तक ही पढ़ती हूँ, लेकिन जैसे पहले मैं प्रिपरेशन करी थी डेडिकेटेडली नीट 2024 की, तो तब मैं हार्डली 8 तक या 9 तक ही स्ट्रेच करती थी, उसके बाद मैं नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि रात को मुझसे नहीं पढ़ा जा सकता जाता, और सुबह मैं कितनी जल्दी उठ के पढ़ सकती हूँ। सो ये है कितने आवर्स, तो 12-13 आवर्स भी हो जाते हैं, तो वो मैं डिपेंड करता है कितने टास्क मैंने आज कंप्लीट करने हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं सुबह फिर उठती हूँ कितनी जल्दी मेरे को उठना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इज़ PW मेड ईजी बुक नोट्स इनफ फॉर नीट, या हमने अपने नोट्स भी बनाने चाहिए, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट ड्रॉप। सो डेफिनेटली आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए, आपको अपने नोट्स में सारे क्वेश्चंस एंड सारी थ्योरी और जो भी सर लिखवाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो सब मेंशन करने चाहिए और अपने नोट्स ही होने चाहिए, और आप अपने नोट्स से ही पढ़ाई करो। और जब मतलब एंड में जब आप आते हो, जैसे कि मार्च में जब आप अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो, फुल सिलेबस टेस्ट के लिए, या फिर आपका सिलेबस चल रहा है साइमल्टेनियसली और आपको कुछ पहले वाले चैप्टर्स का टेस्ट देना है जो पहले हो चुके हैं, तो उनके लिए आप मेड ईजी का यूज़ डेफिनेटली कर सकते हो रिविजन के लिए, ताकि आपका क्विक रिविजन हो जाए। क्योंकि जैसे अगर आप MR सर से फिजिक्स पढ़ रहे हो और वो जो फिजिक्स मेड ईजी है वो भी MR सर की ही बुक है, तो इसलिए आप उसको उसके साथ पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हो और उसके बाद आप फिजिक्स में डीजी से पढ़ते हो तो उसमें आपको थोड़ी डिफिकल्टी होती है, बिकॉज टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग होता है और नोट्स भी अलग होंगे, हर एक टीचर के अलग नोट्स होते हैं, अलग लिखवाने का तरीका होता है। जैसे MR सर कुछ ना कुछ लिखवाते हैं, जैसे कि रामलाल के रिस्पेक्ट में लिखवाते हैं, तो ऐसे करके कुछ चीज़ें अलग होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, माय लास्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू कवर 1 or 2 month ह्यूज बैकलॉग। ओके, सो 1 or 2 month ह्यूज बैकलॉग क्लियर करने का एक ही तरीका है कि आप अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाओ, ठीक है, और लेक्चर्स को देखो, मतलब अगर लेक्चर्स का बैकलॉग है तो लेक्चर्स को आप देखो 1.5x पे, और नोट्स अगर आपने पहले बना रखे हैं, जैसे अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में बनाए होंगे, अगर आपका सेकेंड अटैम्प्ट होने वाला है तो आप उन्हीं नोट्स को प्रेफर करो, या फिर सर के जो PPT वाले नोट्स होते हैं, PPT अवेलेबल हो जाती है क्लास के बाद, उनको देखो, और रिकॉर्डेड क्लासेस लो लाइव जब आप लेते हो तो काफ़ी टाइम लगता है, रिकॉर्डेड क्लासेस आप लो, तो ऐसे करके आपके जो है बैकलॉग क्लियर हो सकता है। क्योंकि मेरा भी जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, उस टाइम पे भी मेरा बहुत सारा बैकलॉग हो गया था, तो मैंने भी यूट्यूब से ही उस बैकलॉग को अपने बैकलॉग को क्लियर किया था, और काफ़ी आर्स बड़े जो लेक्चर्स होते हैं उनको 1.5x पे देख के मैंने कंप्लीट किया था। तो आप भी ऐसे कंप्लीट कर सकते हो, और आपकी राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आप जल्दी जल्दी नोट्स भी बना सको और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर कर सको उसी के साथ, ताकि आपका बैकलॉग इजीली कवर हो जाए, ठीक है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेते हैं आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम अ स्टेट बोर्ड स्टूडेंट करंटली पास्ड आउट 12th, सो आई वांटेड टू प्रिपेयर फॉर नीट दिस ईयर एंड गोल इज टू क्रैक नीट 2025, एनी टिप्स टू क्रैक नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ऑल्सो बेस्ट टीचर एंड बुक्स फॉर PCB। तो टीचर्स तो
डिपेंड करता है कि आपको किसका समझ में आता है. तो बेस्ट टीचर्स तो फॉर फिजिक्स आई सजेस्ट MR सर बेस्ट हैं. बाकी आपको हो सकता है किसी और टीचर का भी समझ में आता हो, तो बट फिजिक्स MR सर बेस्ट हैं. उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सुधांशु सर को आप फॉलो कर सकते हो, और ऑर्गेनिक के लिए पंकज सर को, एंड इनऑर्गेनिक के लिए मैंने VT सर के लेक्चर्स देखे थे यूट्यूब से, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको उनका समझ में आता है तो. एंड बॉटनी के लिए तरुण सर इज बेस्ट, नो डाउट तरुण सर बेस्ट है बॉटनी के लिए. कुछ लोग ऋषभ सर से भी पढ़ते हैं, तो मैंने उनसे कभी पढ़ा नहीं है, बट अगर आपको उनका समझ में आता है तो आप उनसे पढ़ सकते हो. और जूलॉजी के लिए MD सर है, ऋतु रतेवाल मैम है, गरिमा मैम है, तो आप इनमें से किसी से भी पढ़ सकते हो. तो ये सारे टीचर्स अच्छे हैं जूलॉजी के, तो ठीक है. तो दैट्स हाउ, ये है बेस्ट टीचर्स. और उसके बाद बुक्स, तो आप अपने नोट्स बनाओ, अपने नोट्स के क्वेश्चंस करो, और बुक्स अगर PYQ की आप बुक ले लो, किसी भी ब्रांड की ले लो, PYQs तो सेम ही होते हैं, तो किसी भी ब्रांड की PYQ की बुक ले लो. PW की ले सकते हो आप, PW की भी आती है. उसके बाद PW के मॉड्यूल्स भी ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो. तो और NCERT तो डेफिनेटली मस्ट है. NCERT इस बार जो NCERT में एटम वाला क्वेश्चन आया जिसने सबको बहुत परेशान कर दिया, तो आप वो भी कर सकते हो. करनी है NCERT, तो डेफिनेटली करनी है. और उसकी समरी ज़रूर कर लेना, न्यू NCERT लेके ही कर लेना, क्योंकि इस बार न्यू NCERT ओल्ड NCERT में बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया था. और टिप्स टू क्रैक नीट इन फर्स्ट अटैम्प्ट इज, पहले वैसे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मेरा भी नहीं हुआ था फ्रेंकली स्पीकिंग, और बट येस आपको दोनों चीज़ें मैनेज करनी होती है, क्योंकि आप 12th में होते हो और उसके साथ आपको बोर्ड्स भी मैनेज करने होते हैं, एंड ऑल्सो नीट की भी प्रिपरेशन मैनेज करनी होती है. तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, और अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करो, है ना. और जब आप जैसे बोर्ड के पेपर ख़त्म हो जाते हैं मार्च में, तो उसके बाद फिर आप नीट पे पूरा फोकस करो, एक भी दिन का गैप मत लो. जब आप बोर्ड्स की तैयारी करते हो किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे आपका बायो का पेपर है बोर्ड का, तो उसके साथ आप नीट के लिए भी पढ़ो साथ में, क्योंकि इतने दिन का तो टाइम होता है, इतना तो गैप मिलता है दो पेपर के बीच में. तो आप अच्छी तरीके से नीट की भी प्रिपरेशन करो, ताकि आपका रिवीजन उसके साथ हो जाए. एटलीस्ट 12th आपकी आपके बोर्ड्स के साथ ही कवर हो जाए नीट के लिए भी. और जैसे ही बोर्ड खत्म होते हैं उसके बाद आप 11th भी रिवाइज कर लो, 2-4 दिन में 11th भी पूरी रिवाइज कर लो, और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन वो टेस्ट पेपर दो, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप टेस्ट दो, फुल सिलेबस टेस्ट दो, पार्ट टेस्ट दो, तो ऐसे करके आप कवर कर सकते हो. सो दैट्स इट फॉर द डे. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. और अगर अभी फिलहाल मेरे पास यही क्वेश्चंस हैं, मतलब अभी जो क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि मैंने इसको जो पोस्ट डाला था इसको 2 hours ही हुए हैं, और मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत बैकलॉग हो जाता है मेरा भी वीडियो बनाने का, अपलोड करने का, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया. और बाकी जो क्वेश्चंस अगर आएंगे तो वो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी. तो इसका हो सकता है Part 2 भी आए, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे बाकी के उनको भी मैं ले लूँगी. सो दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू, बाय. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. सब्सक्राइब करना मत भूलना, आप देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो. सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. थैंक यू, बाय.